हम यहाँ बुरी तरह चढ़ाएंगे और महेंद्र प्रताप जिताएंगे। हमें तो बीजेपी खत्म ही करनी है। कांग्रेस को जोड़ लगाएंगे और कृष्ण पाल है तो बढ़िया तरह से हरामेंगे। इंस्टा फीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में बता दें कि हाल ही में बीते दिन कांग्रेस से महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और ऐसे में लगातार पिछले काफी समय से जो है ये लोग कृष्ण पाल गुर्जर यानी कि कहें कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। एक कट की मांग इनकी थी, लेकिन ऐसे में जहां कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है, जजपा की ओर से घोषित किया जा चुका है, इनेलो की ओर से घोषित किया जा चुका है, यानी कि बात करें फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है, ऐसे में कांग्रेस भाजपा जजपा और इनेलो साथ ही साथ बताएं कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके कैंडिडेट मैदान में हैं। एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर ये किसका समर्थन करने वाले हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी क्या कुछ कहेंगे आप फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है? देखो मैं किसान संघर्ष समिति धरना अध्यक्ष मौना ईश्वर सिंह नंबरदार जी, हम जो है जब ये हमारा जेवर एयरपोर्ट के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे निकल रहा था तो उसके बाद हमने कृष्ण पाल जी से बात करी, नैनपाल रावत जी से भी बात करी थी उतार चढ़ाव के लिए और हमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपका उतार चढ़ाव हम जरूर बनवाएंगे। लेकिन हमें 2 साल हो गए हैं, हमने जो है 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो है घोषणा करके गए थे पनेरा खुर्द में, उसके बावजूद भी धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है और कई बार हम मंत्री जी से भी मिले हैं, गडकरी जी से भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन नहीं मिले हैं, धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। और अब हम जो है इलेक्शन जो है लोकसभा का आ रहा है, 25 तारीख को हमारा इलेक्शन है और हमने जो है कई गांवों में हम पंचायत कर चुके हैं, अटाली पनेरा कला पड़ा खुर्द दयालपुर। अब लोकसभा का चुनाव है और हमने जो है सभी गांवों में जो है सभी से अनुरोध भी और अपील भी करी है कि भाई कृष्ण पाल जी के जो है खिलाफ वोट करनी है। नहीं, अगर हम धरने की बात करें तो इस धरने पर राकेश टिकैत और साथ ही साथ पूनम पंडित जैसे जो बड़े नेता किसानों के कहे जाते हैं, किसान आंदोलन में बहुत चर्चित चेहरे रहे, तो ऐसे में उनका सपोर्ट भी यहाँ मिल चुका है, वो भी यहाँ पर आ गए हैं, तो ऐसे में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? देखो हम जो है अभी हमारी जो है मीटिंग होगी, मीटिंग में जो है हमारे जितने भी गाँव है उनके जो है लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उसमें जो है सर्वसम्मति से जो है फैसला लिया जाएगा, जो कृष्ण पाल जी को हराएगा उसी कैंडिडेट को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है कि बीजेपी के बाद फरीदाबाद में कौन सी पार्टी सक्रिय आपको नजर आ रही है? क्योंकि कहीं कि जजपा की तरफ से नलिन हुड्डा को वोट जो है टिकट दी गई है, इनेलो की तरफ से जो है सुनील तेवतिया को जो है टिकट दी गई है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप को जो है रात ही जो है उम्मीदवार घोषित किया गया है, इससे पहले काफी लंबा समय था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या 25 दिनों के अंदर पूरे फरीदाबाद लोकसभा को कांग्रेस कवर कर पाएगी? देखो बिल्कुल कर पाएगी और जो है उनको करने की जरूरत भी नहीं है, जो है लोग बाग मन बनाए बैठे हैं कि भाई कृष्ण पाल जी ने 10 साल में हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है, कि हम तो जो है उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, हमारे बच्चों को रोजगार देगा, हम तो जो है उस कैंडिडेट को जो है वोट देंगे। और जैसे हमें सूत्रों से पता लग रही है कि जो है महेंद्र प्रताप जी जो है बढ़िया नेता हैं और जो है संघर्षशील नेता हैं। अच्छा बाबा, आप जो आप लोग बात कर रहे हैं, आप भाजपा के खिलाफ में हैं या फिर कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ में? हम तो अब तो दोनों के खिलाफ हो गए। अच्छा, दोनों के खिलाफ है? दोनों के खिलाफ हो गए। अच्छा, तो कितनी वोटों की चोट देने वाले हैं इस बार आप फिर भाजपा और कृष्ण पाल गुर्जर को? कई लाखों की। अच्छा हाँ। नहीं, जिस तरीके से अगर हम बात करें लोग बागों के रिव्यू की बात करें पब्लिक ओपिनियन की, तो जनता कहती है कि जिस तरीके से पिछली बार वो 6 लाख कुछ वोटों से जीते थे, तो इस बार 6 लाख ना सही तो 2 लाख तो पार कर ही देंगे वो? नहीं जीत पाएंगे। और बीजेपी वाले कहते हैं कि 10 लाख पार कर देंगे। देखो बीजेपी वाले तो पीछे जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भी जो 75 पार के लिए कह रहे थे, लेकिन जो है ये 40 में ही सिमट गए। और जो है आप, मैं आज बता रहा हूँ आपको, आज 26 तारीख है, 26 अप्रैल है, आज मेरी बात को ध्यान रख लेना, कृष्ण पाल जो है 2.5 लाख वोट भी जो है यहाँ से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ, तो आपको क्या लगता है जी कि कौन सा नेता जो है सीट निकाल सकता है? महेंद्र प्रताप ही निकाल सकते हैं।
अच्छा बिल्कुल निकालेंगे, 100% निकालेंगे। अच्छा हाँ जी, खुलकर सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल खुलकर नहीं, तन मन और धन से। अच्छा हाँ जी। बाबा क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा जी जो हमें ऐसा ग्राम न हमारी हमारे मोहनवा तो कस समझो ही ना। अच्छा? हमारे 50 गांव उनको मेन हुए और जो यहाँ कथना समझो हम यहाँ बुरी तरह चढ़ाएंगे और महेंद्र प्रताप जिताएंगे। अच्छा हाँ जी। तो खुला समर्थन महेंद्र प्रताप? हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो जितनी वोटों से जीते थे ना पहले उतनी वोटों से हराएंगे। अच्छा जी। तो हाँ जो ये कह रहे हैं ना 5 लाख से जीते थे या 5.5 लाख से, कम से कम इतनी वोटों से हराएंगे। नहीं, जिस तरीके से माहौल देखने को मिलता है, अब फिलहाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी वो लगातार विधानसभाओं में आ रहे हैं और ऐसे में सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में चुनाव से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी की रैली भी इस क्षेत्र में हो सकती है, क्या उस रैली का फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ, फ्लॉप जा रही है नरेंद्र मोदी की जितनी भी रैली हो रही है ना सारी फ्लॉप जा रही है। अब यहाँ नायब सिंह सैनी ने यहाँ की थी रैली, एक सारी सीटें खाली पड़ी रही। अच्छा? ज्यादा से ज्यादा 300-400 आदमी थे मुख्यमंत्री की रैली में, 300-400 आदमी, आप अंदाजा लगाओ कहाँ जाएगी ये पार्टी। आप किसे सपोर्ट करोगे? कांग्रेस की कर रहे हो चक्कर? कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्मीद है कांग्रेस से आपको? बनाया कर पार कर देंगे। अच्छा हाँ। उम्मीद भी तो होंगी कोई? उम्मीद सगरी उम्मीद है हमारी, जैसे हर तरीके। अच्छा, हमें तो बीजेपी खत्म ही करनी है। बीजेपी खत्म करनी है? क्यों? ये सरमाएदारे खा गए हमारे देश है। अपने टाइम पे उन्हें सीट बांटी है, कैंडिडेट उतारे हुए और सोच समझ के उन्हें जो कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट है, दिग्गज कैंडिडेट है, उतारे हुए है मैदान में। अगर हम आज के समय से भी लें तो 29 दिन बटते हैं और 29 दिन में तीन चार दिन पहले आचार संहिता की वजह से जो ये प्रचार बंद हो जाता है और जब प्रचार प्रसार बंद हो जाता है इसलिए कम से कम 25 दिन का समय बचा है। इन 25 दिनों में क्या कांग्रेस अपना हाथ का पंजा खिला पाएगी? भैया रे वाक नहीं हो, 10 दिन बहुत है। कैंडिडेट तो 2 दिनों पहले ठाडे हो जाओ, जनता बनावेगी जाका ये बनावेगी और जनता के मन में महेंद्र प्रताप बसे हुए है पहले से ही। बहुत बढ़िया ईमानदार बढ़िया छवि का आदमी है और महेंद्र प्रताप है। हम जो है कांग्रेस हो समर्थन करेंगे तनते मनते धनते। और हमने 3-4 गांवन में तो जो पंचायत कर ली है और अब हमारी हर दूसरे दिनों गांवन में पंचायत होगी और खुलकर सपोर्ट करेंगे और महेंद्र प्रताप के लिए वोट मांगेंगे। और हम अपने यहाँ धरने पर इलेक्शन से 10 दिन पहले एक महापंचायत करेंगे पूरे। पापा जी अब कपड़े पहनिए, बाकी की एक्सरसाइज हम लॉन में करेंगे। अब भाग में गई तेरी एक्सरसाइज पाई, पहले मेरी स्कॉच आई, मैंने स्कॉच छाई दिया मेरी तो पानी में कपड़े पहन। चुपचाप कपड़े पहनिए, चलिए हुण मिली तो अनू टक्कर वाली। ए दो टके दी नर्स मैनू टक्कर देगी है ते एलेपैच। किसी ने सवाल छोड़ा है, तू बसुड़ी पाई है, तू सवाल। पापा जी का भरोसा उठ जाना है मेरे थे। तो मिस्टर पापा जी तुम्हारा चड्डी उतार के इस बार पूरा मरा देगा, नंगा घुमाएगा। ये बिजनेस रिंकू का नहीं पापा जी का है, तुम वारिस हो उसके। द वेडिंग इंसिडेंट, आई एम द ओनली आई विटनेस। मनाली में किरदारे हैं लकी, नजर रख। हमें कभी कभी लगता है कि लोग गायब हो गए पर ऐसा होता नहीं है, होते आसपास ही। अपना धंधा डर तो चल रहा है, इस बार तो हम यहाँ से पापा जी को पूरा फिट करके जाएगा। बंगाली मेरे नाल गेम न खेलिया है, अब इस बार हमको कोई गेम खेलने का जरूरत नहीं है, टाइम आपके साथ बड़ा गेम खेल रहा है। खत्म करना है सब कुछ इसकी आंखों के सामने। चाचा चौधरी ने तू फड़ के लाया। हमारे धंधे में सस्ती बस एक ही चीज है, बंदे की जान। इस बारी मनाली की बर्फ का रंग लाल होने वाला है। गोली मार दे सब मैंने। ओ मेरे को ना ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आहो जी ओ मैं इत्थे दा प्रधानमंत्री हां।
memories. They're waiting to be discovered. The big ones. The small ones. The ones your friends won't believe are true. The ones with twos. The ones with blues. The ones that you'll frame. And those you'll keep to yourself. The ones that made you believe in God. The ones that'll make you fly. And also those that make you shy. And the ones that remind you how beautiful life can be. Memories, they're waiting to be discovered here. Mementos by ITC Hotels. Memories available. बॉर्डर से बॉर्डर तक के आदमी ने हम यहाँ बुलाएंगे, महापंचायत करेंगे और जब खुल के हम ऐलान अब भी कर रहे हैं और वादनों भी महेंद्र प्रताप को ऐलान कर देंगे और जीतने को ऐलान कर देंगे कि आज महेंद्र प्रताप हमने सांसद बना के धरने पे थे भेज दियो। जी देखिए आपको बताएं कि ये वो क्षेत्र है जहां पर कहें कि कृष्णपाल गुर्जर की इन्होंने शव यात्रा जीते जी निकाली और साथ ही साथ बता दें कि बीजेपी का कैंडिडेट पिछले विधायक के चुनाव में उसको भी यहां से हराया गया। बताएं कि निर्दलीय कैंडिडेट को चंदा इकट्ठा करके इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं कहें कि विधानसभा पहुंचाने का काम किया। लेकिन आपको बताएं कि अब फिलहाल देखना ये होगा कि क्या 25 दिन कांग्रेस के फरीदाबाद से सीट निकाल पाते हैं या नहीं और बातचीत करते हैं। जी कृष्णपाल या फिर महेंद्र प्रताप? महेंद्र प्रताप कांग्रेस की वोट भी सपोर्ट भी। अच्छा आज कल शाम से वोट भी चालू और सपोर्ट भी चालू उसकी। अच्छा हाँ जी कल शाम से ही या उससे पहले से? जब घोषणा होगी जब वेदराम पंडित जी हम। अच्छा हाँ वोट भी देंगे सपोर्ट भी देंगे और जनता के नियो पूरी कांग्रेस को जोर लगाएंगे और कृष्ण पाल है तो बढ़िया तरह से हराएंगे। कांग्रेस महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप हाँ वोट भी देंगे सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा और शुरू से आखिर तक रहेंगे। अच्छा तुम 25 दिन की बात कर रहे हो उसके पास 50 दिन है, दिन रात रात कहाँ जाएगी? अच्छा काउंटिंग डबल होगी। अच्छा हाँ और हम जब बैठेंगे जब तक नहीं हराएंगे जब तक हम बैठेंगे नहीं। अच्छा ये आग दौड़ रही है हमारे दिल के अंदर। हमने दो बार पंचवर्षीय योजना में दो बार 10 वर्ष उसको राजा बना दिया और वो हमें फकीर बना रहा है तो हमारे अब नीचे है वो। अच्छा हम उसका जो अपना बदला लेंगे। हमारे यहाँ ना तो गमी में आता ना किसी वैसा कोई प्रोग्रेस का काम किया और ये उतार चढ़ाव 3 मई 2022 को जो डिक्लेरेशन कर गए थे सीएम साहब और वो डेनपाल ने जो प्रस्ताव रखा था उस पर सब पे मैच फेर दी उन्होंने। अच्छा सुनिए जी हम बिल्कुल महेंद्र प्रताप के आदमी है, तन मन धन तीनों चीज से उसका सहयोग देंगे। आपके क्षेत्र का जो विधायक है वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, आपने निर्दलीय बनाया लेकिन वो बीजेपी में जा पहुंचे, क्या इस बात से फर्क पड़ेगा वो भाजपा की? अरे वो अपनी तो वोट ले लीजो, भाजपा तो जब दबावेगो झूठो आदमी झूठो है। अच्छा झूठो है माँ झूठो कह के गयो वन की भाई मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, हम रुपया के भूखे न है, हमारे पास धन बहुत है, हम तो अपने कौम के भूखे है। हमारी सड़क करने जाके देखो विधायक के ही तो कौम है, ये घोटू घोटू खड्डे बह रहे हैं, हमारे जो आज पैर उठे हैं कम्बाइंड चली है नाज कटाई हुई है सर रखन पर नाज के आधी आधी ट्रॉली खलगी, ऐसे आदमी ने हम वोट देंगे और ऐसे इनकी मॉर्निंग है वो भाजपा की का क्या काई की भी सपोर्ट कर लो। अच्छा अब आप बता रहे हैं कि आपके गेहूं वगैरह उठे हैं फसलें बिल्कुल सूखे हुए खेत हैं और ऐसे में एक चिंगारी पूरे सब में आग भड़का सकती है, क्या ऐसे में कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है आपके? हाँ हमारे पास कोई नहीं है, नहीं हमारी मंडी में नहीं हमारे गाँव में, हमारा उप तहसील है गाँव, कम से कम एक मशीन तहसील में तो होनी थी। अच्छा। कोई हमारे पास कोई हमारे यहाँ कोई कैसी भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं है। सब डिविजनल की भी लोगों ने मांग की थी। अच्छा उस पर भी इसने जो बिल्कुल एक्ट अपन अमल नहीं किया।